छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने बुधवार को मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को मार गिराया है। बता दें कि मारे गए नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मौके से हथियार और अन्य सामान भी बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में करीब 6 घंटे तक चली है यह मुठभेड़, और वहीं मुठभेड़ में सब इंस्पेक्टर सहित 2 जवान घायल हुए। घायल सब इंस्पेक्टर सतीश पाटिल महाराष्ट्र की C-64 के जवान है। बता दें कि उन्हें बाएं कंधे में गोली लगी है। उन्हें हेलीकॉप्टर से कांकेर के बांदा से गढ़चिरौली भेजा गया। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ कांकेर के पंखाजूर और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के जंगल में हुई है। गढ़चिरौली से महाराष्ट्र पुलिस और C-60 के जवान सुबह करीब 10 बजे सर्चिंग पर निकले थे। इसी बीच झारावंडी थाना क्षेत्र के जंगल में दोपहर करीब 1:30 से 2 बजे के बीच नक्सलियों से सामना हो गया। बीजापुर SP जितेंद्र कुमार यादव ने कहा कि बीजापुर में नक्सलियों द्वारा किए गए IED ब्लास्ट में 2 जवानों की जान चली गई है। वहीं 4 जवान घायल हैं, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। करीब हमारी संयुक्त टीम थी बीजापुर सुकमा और दंतेवाड़ा CRPF SDF की टीम थी जो निकली हुई थी, जिस पर वापसी के वक्त में IED ब्लास्ट हुआ, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए, सत्येश सिंह और भरत साहू। 4 जवान घायल हैं, जिनको रायपुर रेफर किया गया है बेहतर इलाज के लिए।